अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह से आज वहाँ से हाजिर है जहाँ के बहुत ज़्यादा ही नामी गए बकरे रहे हैं हर साल। आप लोग समझ तो गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म जावेद निहारी वालों के बकरे, जिनके बकरे फ़करे पाकिस्तान, फ़करे सिंध, फ़करे मुस्तफ़ा। एक पिंकू बकरा था हमारा, इसने बहुत ज़्यादा हाइप बनाई मार्केट में, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, शौकीनों ने खास तौर पर बहुत पसंद किया। तो उनके बकरों का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, जिनके आप सोच भी नहीं सकते कि माशाल्लाह कितने ऊपर का कलेक्शन इस बार है 2022 में। तो पहले टीज़र देखते हैं, फिर आपको 2022 का दमदार कलेक्शन दिखाता हूँ। तो वेट करना नहीं है, पहले चलते हैं टीज़र की तरफ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नाम का सर है, कुछ मेरे रब का करम है, मुझे शौक़ में रहते रहते ऐसे नगीनों से नवाज दिया जो हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किए थे। मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म कलेक्शन 2022। हाँ भाई, जावेद न्यारी वालों के बकरे। ओए होए, बकरे का सीना, उफ बकरे का वजूद, अरे जानी ये तो पहला आइटम है। ऐसे बहुत से नगीने इस आर्टलॉग में आपको देखने को मिलेंगे। सब छोड़ो, इस बकरे के पास से चेक करो। ओए होए, क्या वजूद है, माशाल्लाह सीना, ओफ एंड करते जनाब। मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म ने हर साल की तरह अपने काम को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया और नाम की पहचान को बनाते हुए, लोगों के दिलों को जीतते हुए, अपने शौक़ में रहते हुए माशाल्लाह आज इस मुकाम पर पहुँच गए कि लोग शौकीन मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म की क्लाइंट फैमिली जो पूरे साल वेट करती है मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म का कलेक्शन देखने के लिए। कमर हवेली बोलना शायद गलत नहीं हुआ। माशाल्लाह से सारे बकरे ही, अभी तो सिर्फ पहला बकरा आप लोगों को दिखाया मैंने, लड़कों असल पिक्चर तो अभी बाकी है। मतलब कहते हैं ना, फिल्म में सीन ऑन है, पॉपकॉर्न और पेप्सी लेकर चिल मारने वाला सीन। क्योंकि रिसवी आज आप लोगों को दिखाने जा रहा है मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म के 2022 के बकरे। तो भाई पहले बकरे को करते हैं टाटा बाबा है, और अब चलते हैं एक और। उफ सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, दिल जीत लिया माशाल्लाह पलाई ने। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि क्वालिटी स्पीक इट्सेल्फ। माशाल्लाह बकरों का स्ट्रक्चर और पलाई, जालिम एंड करते हो मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म 2022। मेरे इस आर्ट लॉग को पूरा देखना दोस्तों, वाकई जो उफ 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 क्या कहना है। तो भाई इस आर्टलॉग को पूरा देखना है, मैंने कहा ना दिल खुश ना हो। और ख़ास तौर पे ये आर्टलॉग बकरा शौकीन बकरा लवर्स को डेडिकेटेड है। माशाल्लाह से हर चीज़, हर आइटम दिल खुश करता जाएगा और शौकीन शौक करते चले जाएंगे। दोस्तों 2023 की भी तैयारियां उरूज संभालते हुए इंशाल्लाह फिर आएंगी। और ओहो गली देख रहे हो बकरी। खैर, बकरों के जितने शौकीन हैं, जिनको मेरा ये आर्टलॉग पसंद आया और जिन्होंने यहाँ तक ये आर्टलॉग देख लिया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट में लाजमी फीडबैक दीजिएगा और फीडबैक के साथ इस आर्टलॉग को अपनी टाइमलाइंस पे भी शेयर करिएगा, ताकि आप नहीं आपके साथ जुड़े जितने शौकीन हैं वो भी इस आर्टलॉग को इन्जॉय कर सकें। और जावेद निहारी वालों के बकरे, माशाल्लाह से निहारी में भी एंड और शौक में भी एंड। अब बारी हमारे तीसरे बकरे की, माशाल्लाह माशाल्लाह, पास से चेक करो भाई बकरे के, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। अल्लाह पाक नज़र बस अच्छा, और जिन भाई ने इसको अपनी कुर्बानी के लिए लिया हो, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी को कबूल तक फरमाए और शौक़ में बढ़ बढ़ कर एक हसीनों नगीनों से ये शौक़ के जेवरातों से इनको नवाजे, ताकि वो शौक़ के जेवर अपने दिल से बांध सकें। माशाल्लाह से सीना, उफ भाई पलाई बोलती है। और मैं एक बात अगर कहूँगा कि इन चीज़ों को, इन नगीनों को, इन खूबसूरत अल्लाह ताला की जो देन है हमारे लिए, इनको पालना भी बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये भी एक नन्ही सी जान है। एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ जाती है। कभी अगर ये चारा ज़्यादा खा लें, ओवरडोज हो जाएं, या फिर
कुछ भी, मतलब इनकी ट्रीटमेंट बहुत मायने रखती है, और ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म की जो टीम है वो इस चीज़ में बहुत औसम है यार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, केयरिंग है, फार्म इनका बहुत साफ़ सुथरा रहता है हमेशा, इनकी जो टीम है वो जानवरों की फीड, इनकी टाइमिंग, हर चीज़ साफ सुथरा है भाई। धूप से बचाना है हमें, किस तरीके से अपने माल के साथ रहना है, क्योंकि जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं पल जाते इतने हसीन बकरे माशाल्लाह से। उफ़ ये बकरा ज़ालिम। अच्छा, इस बकरे की एक बड़ी खासियत थी, ये बकरा माशाल्लाह वजूद में बहुत भारी, बहुत एक्टिव, मगर जब इसको आप छोड़ो ना, आप इसको संभाल नहीं सकते। उफ़ यार माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र पर से बचाए, पास से देखें एंड सीना तो फिर है ही ज़ालिम। खैर, एक बात मैं और कहूँगा अपने शौकीनों से कि माशाल्लाह हमारे कराची में बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है, और इस साल मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा जिन्होंने घरों पर बहुत अच्छे अच्छे बकरे तैयार किए। तो भाई वो भी अगर चाहें, जो शौकीन है वाकई, जो दिल से पालना जानते हैं, तो उनको भी कभी किसी चीज़ की हेल्प हो, हेल्प आउट चाहिए हो, तो वो मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म से कोऑर्डिनेट करें। इनकी टीम बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे जो मैनेजमेंट है वो आपको, ओए होए भाई, बेस्ट जोड़ी 2022 की आ गई माशाल्लाह से। दोनों ही छोटे फिटबॉल्स हैं, इनका नाम हो चाहिए छोटे फिटबॉल्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहला आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो पहला है ना, ओए होए कमर देख रहे हो लाला, एंड एंड माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र से बचाए। इसी के साथ इसका जोड़ी जोड़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये तो भाई नॉट कमिंग स्लो वाला सीन था। खैर, आपके भाई ने साइनेमेटिक के ज़रिए ही इनको कैप्चर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बिना स्लो मोशंस के मैं नहीं कैप्चर कर पा रहा था, क्योंकि बहुत एक्टिव थे। ओए होए माशाल्लाह, बेस्ट जोड़ी ऑफ 2022 की है मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म की, वल्लाह हर चीज़ माशाल्लाह सुपर्ब थी। अच्छा दोस्तों, मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म में बहुत से नगीने थे जो कि मैं अपने आर्डलॉग में नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो सोल्ड आउट हो चुके थे और आपका भाई आर्डलॉग शूट करने में लेट हो चुका था। खैर दोस्तों, ये जोड़ी हो गई, अब इसके बाद दिखाता हूँ आपका भाई का, रिजवी भाई का फेवरेट बकरा। और मेरी स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको देखकर माशाल्लाह या सुभान अल्लाह, ओए होए बहुत क्यूट बकरा यार, देख के सुभान अल्लाह ज़रूर करना, ताकि अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। और मेरी दुआ है कि जो शौकीन है, अल्लाह पाक उन सबको ऐसे खूबसूरत जानवरों से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, जो उनके शौक है, जो उनकी आइडियल कुर्बानी है। और आज आपका भाई अपने दिल की बात कहा कि भाई कोई शौक छोटा बड़ा नहीं होता, और शौक से बढ़कर कोई शौक नहीं होता। खैर, ये बात हमेशा अपने दिलों में रख लें, कोई कुर्बानी कभी छोटी नहीं होती। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये आज का लास्ट बकरा है और सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। माशाल्लाह से इस बकरे को देखना, मेरी बातों में गौर करना और अपने इस स्क्रीन पे फोकस रखना, क्योंकि ये चीज़ बहुत एंड है। उफ़ उफ़ माशाल्लाह। तो भाई मैं ये कहूँगा कि मेरी ये बात हमेशा रखना है, कोई कुर्बानी छोटी बड़ी नहीं होती, और बस अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल तक फरमाए। अपनी हमेशा नियत रखो, चीज़ मिल जाती है, चाहे आपकी रेंज 20,000 भी क्यों ना हो, चाहे आपकी रेंज कम से कम भी क्यों ना हो, अल्लाह पाक करवा ही देता है। अय हाय। खैर, मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म कलेक्शन शौकीनों के लिए 2022 का आपका भाई लेके हाजिर हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमर में लचक देख रहे हैं, पासे और सीना तो एंड। सारे ही बकरे जितने मैंने आज आर्डलॉग में दिखाए, सुभान अल्लाह बहुत ही एंड थे। अल्लाह पाक और मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म पर, ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा भाई को, ऐसी ऐसी चीज़ों से नवाजे कि वो शौक करवाते रहे। हाँ भाई, माशाल्लाह से कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा? और हर साल की तरह इस साल भी नामवर कलेक्शन लेके मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म जावेद नियाज़ी के बकरे पसंद आप लोगों को बहुत आएंगे। जो शौकीन, जो आप सोच रहे थे कि इस साल का कलेक्शन कैसा होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर ये कलेक्शन था, तो कमेंट से मुझे लाजमी बताना। और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि जिससे इस साल बहुत ज़्यादा हाइप करने वाली चीज़ें इन्होंने जमा की, और माशाल्लाह पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म की हमारे पेज से बहुत ज़्यादा हिट गई, आप लोग देख ही रहे। तो 2023 की भी एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ऊपर की चीज़ें लेकर हाजिर होंगे। तो बस ये आज का आर्डलॉग था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्डलॉग में। 2023 के लिए वेट करना है, मुस्तफ़ा गोल्ड फार्म जावेद जैन के बकरे क्या आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, ये आपको अगले साल के आर्डलॉग में चलेगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।